जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 11 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक चल रहा था वो अपना चल रहा था अभी पोटेंशियल स्टेप चल रहा था। ठीक है, और पोटेंशियल स्टेप के अंदर क्या है भी अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या है भी यहाँ से दो वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली थी, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर और क्षेत्र सेकंड के अंदर। कंडीशन क्या चल रही थी आपकी, जब एनर्जी क्या हो, जब यहां पे जो कण की एनर्जी E है वो क्या है भी इस पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो भी कम हो, कण की एनर्जी E है वो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उससे क्या हो भी आपकी कम हो, ये कंडीशन क्या है भी आपकी चल रही थी। अब क्या है भी इसको देखिए क्या है भी अपने इससे आगे क्या है भी सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या है भी अपने को यहाँ पे ये जो फंक्शन प्राप्त हुआ है वो क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्या है भी आपके श्रोडिंगर समीकरण का जो हल प्राप्त किया वहां से तरंग फलन प्राप्त हुआ है। जो आपका सेकंड जो इक्वेशन सेकंड प्राप्त हुई वो क्षेत्र सेकंड के अंदर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान वी जीरो है उस कंडीशन के अंदर आपके पास साइन टू एक्स फंक्शन की क्या है भी वैल्यू प्राप्त हुई है। क्लियर आपका यहां तक। अब यहां पे आपको जो नियतांक की वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी चार क्या है भी आपके कॉन्स्टेंट है और उन कॉन्स्टेंटों की क्या है भी आपको वैल्यू को फाइंड करना है। इन कॉन्स्टेंटों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो किसकी सहायता से, परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंध की सहायता से। इन कॉन्स्टेंटों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंध की सहायता से। यहाँ पे जो चार कॉन्स्टेंट दिए गए आपका ए बी सी डी इन कॉन्स्टेंटों की वैल्यू किसकी सहायता से फाइंड कर सकते हो आप, परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंध की सहायता से। परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंध होने के लिए क्या आवश्यक है भी एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए फंक्शन साइन एक्स व इसके अवकलज करली साइन एक्स अपॉन करली एक्स का मान क्या होना चाहिए, सतत व परिमित होना चाहिए, सतत व परिमित होना चाहिए। बी एक्स के सभी मानों के लिए क्या है भी आपका जो आपका साइन एक्स है और इस फलन का क्या है मान सतत एवं परिमित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है भी आप ए बी सी डी कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो परिसीमा ताप सातंत्य प्रतिबंध की सहायता से। और ये कंडीशन क्या बताता है भी यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए आपका इस वेव फंक्शन का मान और इस वेव फंक्शन के अवकलज का मान क्या होना चाहिए भी सतत वह क्या होना चाहिए भी परिमित होना चाहिए, कॉन्टिन्यूज एंड फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर आपका यहां तक। ठीक है, उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी अपने किस प्रकार से डिस्कस करेंगे देखते हैं भी किस प्रकार से निकाल लेंगे। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब क्या है भी अगली कंडीशन आपको क्या बताता है, अगली कंडीशन क्या बताता है भी इस इक्वेशन के बारे में आपको क्या कथन देता है। यदि क्या बताता है भी यदि C नॉट इक्वल टू जीरो हो तो, यदि C क्या है भी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन के अंदर यदि हम X के मान में, यदि X के मान में वृद्धि करते हैं तो C e की पावर अल्फा x का मान भी बढ़ता है और यदि
एक्स का मान इन्फिनिटिव हो तो सी ई की पावर अल्फा एक्स का मान भी क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। और ये क्या है भी, वांछित रिजल्ट नहीं है, वांछित रिजल्ट नहीं है, यह रिजल्ट कभी हो नहीं सकता। कहने का मतलब यदि सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन के अंदर एक्स के मान को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी भी आपकी, इंक्रीज होगी। और जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। और जब ये इन्फिनिटिव हो जाए तो साइन टू फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या है भी यहाँ पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो मानते हैं। समीकरण के सोल्यूशन को सोल्यूशन करने के लिए सी की वैल्यू क्या है भी, जीरो मानते हैं। कहने का मतलब सी नॉट इक्वल टू यदि जीरो लें तब x के मान को इंक्रीज करें तो ये फैक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटिव कर दें तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तब ये इन्फिनिटिव हो जाएगा तो साइन टू एक्स फंक्शन क्या भी कभी इन्फिनिटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए c की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, c की वैल्यू क्या मान लेते हैं भी, जीरो मान लेते हैं। जब c की वैल्यू जीरो मानेंगे तो आपके सामने जो फंक्शन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है भी आपकी, ये जीरो है। तो ये टर्म जीरो, तो आपका फंक्शन क्या बचेगा, ये ही बचेगा। क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, जो साइन टू फंक्शन होगा वो आपका क्या रिजल्ट प्राप्त देगा, d e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्षेत्र सेकंड, और x की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे, जीरो से बड़ी है, इक्वेशन नंबर दो। ये दो रिजल्ट आपके सामने क्या है भी प्राप्त होंगे। अब क्या भी अपने पास c वाला तो सॉल्यूशन हो गया, अभी c की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमारे पास, जीरो प्राप्त होगी। c नॉट इक्वल टू जीरो कभी भी कोई भी कंडीशन के नहीं हो सकता, c की वैल्यू क्या होगी भी आपके सामने, जीरो ही प्राप्त होगी। तो अब हमारे पास क्या है भी, दो इक्वेशन प्राप्त होती हैं। तो अब हमें क्या है भी, ए बी और डी की क्या है भी वैल्यू को फाइंड करना है। कांस्टेंट कौन से फैक्टर की वैल्यू को, एक तो कांस्टेंट ए की वैल्यू को, एक कांस्टेंट बी की वैल्यू को, और एक कांस्टेंट क्या है भी आपकी वैल्यू डी को फाइंड करना है। तो ए बी और डी की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये बताता है भी, एक्स बराबर जीरो पे प्रतिबंध x बराबर क्या है भी जीरो पर प्रतिबंध, वो कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका साइन x इक्वल टू जीरो क्या होगा भी, साइन टू x इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, कंडीशन होगी। दूसरा क्या भी, अवकलज इसके बराबर होना चाहिए, ये दो कंडीशन क्या है भी पालन करनी चाहिए। अब क्या है भी, इन दोनों प्रतिबंधों का यूज करके इन दोनों इक्वेशनों का क्या है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ये जो आपका क्या है भी बता दिया गया अभी आपको पोटेंशियल स्टेप के बारे में, तो इसको क्या है भी अपने साफ कर देते हैं। तो इन दोनों कंडीशनों से क्या है भी, किस प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसके बारे में अपने क्या करते हैं भी, डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिएगा भी, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है भी अपने पास क्या फाइंड करें, जब ये लीजिएगा भी, ये क्वेश्चन लीजिएगा, साइन एक्स e की पावर जे के एक्स प्लस बी e की पावर माइनस जे के एक्स, और x इक्वल टू जीरो मान लें, तो यहाँ पे साइन वन
x इक्वल टू जीरो, e की पावर x क्या है जीरो, तो e की पावर जीरो वन, तो a प्लस बी e की पावर जीरो क्या है भी वन, तो ये प्राप्त हो गया। दूसरी कंडीशन ये है भी अपने पास साइन टू एक्स, ठीक है, डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, जब एक्स इक्वल टू क्या है भी जीरो, तो साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी और ई की पावर एक्स की पावर क्या है भी जीरो, तो ई की पावर जीरो वन, तो एक ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगी। अब क्या है भी ये दोनों रिजल्ट प्राप्त हो गए भी एक्स बराबर जीरो की कंडीशन के ऊपर, और प्रतिबंध के लिए आवश्यक है भी ये दोनों रिजल्ट क्या हो, बराबर हो, तो आपका क्या आ जाएगा भी a प्लस बी इक्वल टू डी, ए प्लस बी इक्वल टू डी, एक इक्वेशन तो ये प्राप्त हो जाएगी आपकी a प्लस बी इक्वल टू डी, समीकरण नंबर तीन मान लो आपका, ठीक है। एक इक्वेशन इसकी सहायता से भी अपने क्या है भी और फाइंड करते हैं, इसकी सहायता से भी क्या है भी अपने और फाइंड करते हैं, वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में भी अपने क्या कर लेते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो किस प्रकार से डिस्कस करेंगे देखिएगा। इसका क्या है भी डेरिवेटिव कर दो, करली साइन एक्स अपॉन करली एक्स, क्या आएगा अभी आपका ए ई की पावर जे के एक्स और जे के प्लस बी ई की पावर माइनस जे के एक्स और ये माइनस जे के, यही आएगा डेरिवेटिव करेंगे तो अपने, ठीक है, यही चीज प्राप्त होती है। जब इसको क्या है भी अपने एक्स इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगानी है, करली साइन एक्स अपॉन करली एक्स और एक्स इक्वल टू जीरो की कंडीशन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए ई की पावर जीरो वन जे के प्लस बी और ये माइनस जे के एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, जब एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू क्या है भी अपने पुट कर देंगे, ये ही रिजल्ट प्राप्त होगा आपका। दूसरा रिजल्ट देखिएगा भी क्या प्राप्त होता है भी आपका, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, दूसरा फंक्शन क्या है भी आपका साइन टू एक्स है क्या भी डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स है, तो करली साइन टू एक्स अपॉन करली एक्स और जब एक्स की वैल्यू क्या हो आपकी जीरो हो, साइन टू एक्स अपॉन करली एक्स भी इसका डेरिवेटिव करेंगे किस कंडीशन के अंदर, जब एक्स की वैल्यू क्या हो भी आपकी जीरो हो, पहले क्या है भी डेरिवेटिव फॉर्म कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो वो क्या आ जाएगा आपके डी e की पावर माइनस एल्फा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एल्फा, और यहां से जो आपकी कंडीशन लगा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा भी x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो e की पावर जीरो वन माइनस डी एल्फा, ये चीज प्राप्त हो गई माइनस डी एल्फा प्राप्त हो गई। कहने का मतलब आपने दोबारा एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट कंडीशन का यूज किया, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट की, इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू क्या है इसके अंदर जीरो पुट की, फिर दोनों को बराबर रखा, हमारे पास क्या है भी एक इक्वेशन ये आ गए, ठीक है। दूसरी के अंदर बात करते हैं अभी साइन एक्स क्या है इसका डेरिवेटिव फॉर्म किया, ठीक है, इसका क्या अभी डेरिवेटिव फॉर्म, और यहाँ पे डेरिवेटिव फॉर्म करने के बाद क्या अभी x बराबर जीरो की कंडीशन के ऊपर याद रखना है, तो x बराबर जीरो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी आपके सामने, ये कंडीशन क्या है भी आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है अभी साइन टू एक्स से डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स है, इसका डेरिवेटिव किया हमने, ये चीज आ गई और x बराबर क्या है भी वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो आपकी क्या है भी ये टर्म क्या है भी आपके सामने क्या हो गई भी प्राप्त हो गई माइनस डी एल्फा। अब क्या है भी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है भी आपके बराबर है, तो बराबर वैल्यू पुट करने पर आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा,
ए जे के प्लस बी माइनस जे के इक्वल टू माइनस डी अल्फा, ये चीज प्राप्त हो जाएगी। और यहां से थोड़ा सा इसका सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जे के ए माइनस बी माइनस डी अल्फा, जे के ए माइनस बी माइनस डी अल्फा, ये दो इक्वेशन क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गए। ठीक है, अब क्या है भी इन दोनों समीकरणों की सहायता से क्या है भी सॉल्यूशन फाइंड कर ले। तो दोनों समीकरणों को एक साइड पे नोट कर लेते हैं अभी अपने, एक तो क्या प्राप्त हुआ अभी आपका a प्लस बी इक्वल टू डी, और दूसरा क्या प्राप्त हुआ अभी जे के ए माइनस बी इक्वल टू माइनस डी अल्फा, समीकरण नंबर तीन और समीकरण नंबर चार प्राप्त हो गए। ठीक है, ये चीज क्या होगी भी आपके दोनों प्राप्त हो गई। अब क्या है भी उसके बारे में देखते हैं भी अपने, समीकरण तीन और चार का सॉल्यूशन करके क्या है भी अपने क्या है भी डी और बी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं भी। समीकरण तीन और चार का क्या करते हैं भी अपने सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार क्या है भी दोनों को यहां से क्या भी सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे देख लेते हैं। एक बार तो इक्वेशन नंबर लिख ली भी अपने क्या है भी ए प्लस बी इक्वल टू डी, दूसरी ए माइनस बी इक्वल टू माइनस डी अल्फा अपॉन जी के, ये दो प्राप्त हो गए, इनको जोड़ दो तो बी से बी टू ए डी माइनस डी अल्फा जी के, डी माइनस डी अल्फा जी के प्राप्त हो गया। यहां से देखिएगा टू इक्वल टू ए जे के डी जे के माइनस डी अल्फा, तो टू ए इक्वल टू क्या हो गया अभी आपका डी कॉमन ले लो जे के माइनस अल्फा अपॉन जे के प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां से क्या है अभी आप डी फैक्टर की वैल्यू निकाल लो डी फैक्टर की, तो ये क्या जाएगा अभी टू ए जे के जे के माइनस अल्फा प्राप्त हो गया। और सॉल्यूशन हो सकता है क्या भी इसका, हो सकता है थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर दो भी, ऊपर वाली टर्म को भी जे से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे वाली टर्म को जे से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे एक बात आपको अच्छे तरीके से बताएगी भी इस कंडीशन के अंदर या इस बुक के अंदर जो जे है आपका इमेजिनरी पार्ट की तरह बिहेवियर करता है, आयोटा की जगह ही आपका जे लिया गया है। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका टू ए के जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी आपके माइनस वन, तो माइनस के माइनस अल्फा जे, और यहां से आपका माइनस कॉमन आ जाएगा तो टू ए के अपॉन के प्लस अल्फा जे, तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू टू ए के अपॉन के प्लस अल्फा जे, मतलब डी की वैल्यू आपके सामने क्या प्राप्त हो गई टू के के प्लस अल्फा जे और ए प्राप्त हो गई, डी कांस्टेंट की आपके सामने वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप पांच दे दो भी आपके सामने इस डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या है भी एक कंडीशन मान लीजिएगा अभी क्या है भी इसके अंदर से आप है ए प्लस बी इक्वल टू डी है, तो यहां से क्या है भी आप बी फैक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लो, बी फैक्टर की क्या है भी आप वैल्यू को फाइंड कर लो। आपके सामने क्या दिया गया है भी ए प्लस बी इक्वल टू क्या है भी डी है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका डी माइनस ए आ जाएगा, और डी की वैल्यू क्या है भी आपके टू के ए के प्लस अल्फा जे माइनस ए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी
के प्लस एल्फा जे टू के ए माइनस ए के प्लस एल्फा जे, तो टू के ए माइनस के ए प्लस एल्फा जे और के प्लस एल्फा जे, तो बी की वैल्यू क्या, टू के ए माइनस के ए गया आपका के ए प्लस एल्फा जे के प्लस एल्फा जे प्राप्त हो गया। ठीक है, सुनो भाई मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ पे के यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के प्लस एल्फा जे, सॉरी बाय मिस्टेक्स, बी की वैल्यू क्या है, बी डी माइनस ए, डी क्या है टू के ए, के प्लस एल्फा जे माइनस ए, के प्लस एल्फा जे क्या है आपका लघुत्तम ले लिया तो टू के ए माइनस ए के प्लस एल्फा जे, तो ये माइनस के ए और ये माइनस एल्फा जे ए, और यहाँ पे क्या है भी टू के माइनस के ए, और यहाँ पे क्या है भी नेगेटिव साइन, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो के माइनस एल्फा जे और के प्लस एल्फा जे इक्वल टू ए, ये प्राप्त हो गई भी आपकी बी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, बी फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपकी, के माइनस एल्फा जे और के प्लस एल्फा जे इक्वल टू सिक्स नंबर समीकरण इंटू ए सिक्स नंबर इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या है भी आप समीकरण डी और बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या भी आपके सामने प्राप्त हो गई, तो यहाँ से जो समीकरण एक और दो के अंदर इसके जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा उसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका साइन वन एक्स, ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है भी आपके ए ई की पावर जे के एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है भी आपके माइनस के अपॉन एल्फा जे के प्लस एल्फा जे और आपका ए ई की पावर माइनस जे के एक्स, ये चीज प्राप्त हो गई। यहां से क्या है भी अपने थोड़ा सा और सॉल्यूशन करें इसका, तो यहां से जो आपका जो साइन एक्स है वो क्या अभी ए कॉमन आ रहा है e की पावर जे के एक्स प्लस के माइनस एल्फा जे और के प्लस एल्फा जे और e की पावर माइनस जे के एक्स, वो ये चीज प्राप्त हो गई आपके। क्षेत्र फर्स्ट के लिए इक्वेशन प्राप्त हो गई, सिक्स सेवन नंबर इक्वेशन देता हूँ आपको। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू ए ई की पावर जे के एक्स प्लस के माइनस एल्फा जे प्लस के प्लस एल्फा जे ई की पावर माइनस जे के एक्स। ठीक है, तो सेकंड क्या प्राप्त होती है भी आपके, साइन टू एक्स, जो साइन टू एक्स प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या है भी आपके सामने, 2k k प्लस एल्फा जे ए e की पावर माइनस एल्फा एक्स। साइन 2x क्या है भी आपका 2k अपॉन k प्लस एल्फा जे ए और e की पावर माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, ये जो कंडीशन प्राप्त होती है ये किसके लिए प्राप्त होती है भी आपकी, क्षेत्र सेकंड के लिए प्राप्त होती है समीकरण नंबर 8। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है, अब यहां से क्लियर होने के बाद ये आपके सामने साइन वन एक्स एंड साइन टू एक्स के क्या है भी आपके सामने फलन प्राप्त होते हैं।
अब जो फलन की बात करते हैं भी, इसके मध्य जो आपके एक कंडीशन प्राप्त होगी भी, आपके आपतित, परावर्तित और पारगमित, इनके बारे में इनके क्या क्या कथन है, क्या क्या रिजल्टेंट प्राप्त होंगे भी, आपतित की कंडीशन जो इक्वेशन होगी वो क्या प्राप्त होगी आपके, जो परावर्तित तरंग जी कंडीशन के अंदर जो वेव फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त होगी आपके, पारगमित कंडीशन के अंदर जो वेव फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त होगी, और किस प्रकार से वो टक्कर करने के बाद आपके सामने प्राप्त होंगे, उन्हीं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपके लिए इतना ही।